जैसे कि हमारे से भी है गेमिंग पीसी है, ठीक है, इसमें नो डिस्प्ले है, तो आज इस पर काम करेंगे और इस पर देखेंगे कैसा सा प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जैसे कि हमारे पास एक गेमिंग पीसी है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्ले नहीं देता, ग्राफिक कार्ड भी इसका ओके है, हर चीज इसकी मतलब पावर सप्लाई भी हमने चेक कर ली है, सब कुछ हमने चेक कर लिया है, मगर फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो इसका आज हम बताएंगे कि मदरबोर्ड से इसका किस तरह प्रॉब्लम होता है और किस तरह रिजॉल्व होता है, वो आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमने ये इसकी यहाँ पे ट्विटर से हमने इसको वो कर लेना, ठीक है, उसके बाद हमने डिस्प्ले की कोशिश करनी है। यहाँ पे मशीन ट्रिगर हुई है, पहले फॉर्म किया यहाँ से और हमने यहाँ से स्विचिंग स्विच करा ली, उसके बाद यहाँ पे फैन स्पिन करने लग पड़ा, ठीक है, और हमारा डिस्प्ले कोई भी शो नहीं हो रहा, मशीन ट्रिगर भी हो गया है, प्रोसेसर भी गर्म हो रहा है, ठीक है, ये देखें टेम्परेचर कर रहा है मगर उस तरह नहीं वर्किंग नहीं हो रहा, तो फिर अभी इस पर काम करते हैं। तो मोस्टली ये होता है कि समटाइम ये होता है कि आपके ग्राफिक कार्ड का प्रॉब्लम होता है, डिस्प्ले नहीं आता, उसके बाद रैम का, तो रैम भी हमने चेक कर लिया, ग्राफिक कार्ड भी मेक श्योर करा लिया, उसके बाद पावर सप्लाई भी हमने इसलिए चेंज करके चेक कर लिया, मतलब डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हमने इसकी बायोस करनी है, बायोस करके चेक करना है। समटाइम ये होता है कि अपडेटिंग टाइम पे ये बायोस करप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकता है। तो हमने फर्स्ट हैंड पे हमने इसकी बायोस करनी है, तो ये बायोस है, तो हम इसको भी उतारते हैं, इसके काम करते हैं। तो डिस्क उतारनी है, तो ये हमने उसकी बायोस उतार लिया, हमारे पास ये है, यहाँ पे बायोस करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास बायोस प्रोग्रामर है, ठीक है, बायोस प्रोग्रामर से हमने क्या करना है कि इसको चेक कर लेना है कि वेरीफाई, यहाँ से इसके स्मार्ट आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपने मैंने लोकेशन जानी है, मेरे पास इस पे बायोस ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो ये मॉडल है B450 ये वाला, तो हमारा ये मदरबोर्ड का भी यही मॉडल आ रहा है, देखें जैसे कि B450, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे उठा लेना है, यही मॉडल है, तो हमने चेक कर लेना कि ये हमारा मॉडल है, ठीक है, ओके। तो ये हमने यहाँ से करने के बाद ओपन हो गई है और हमने राइट कर देना है, तो हमारा ये राइट का ऑप्शन है, हमने राइट किया, तो ये हमारा भी रेजिंग करेगी सब कुछ करने के बाद, इसका हमारा थोड़ा टाइम ले लेगा, तो हम इसका फिनिश होने में टाइम लेते हैं। तो इसका ये फिनिश होने के बाद हम फिर इंस्टॉल करते हैं, फिर चेक कर लेंगे, तो इसका थोड़ा सा टाइम लगना है। तो अभी फिलहाल यह है कि इसका मैं फिनिश होने का इंतजार करता हूँ, उसके बाद इंस्टॉल करता हूँ, फिर आपको बताते हैं डिस्प्ले इसका आया या नहीं आया। तो ये हमारा ये बायोस होगी, राइट होगी, तो हमने इसको लगाना है, इंस्टॉल करना है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर दोबारा से, तरीके से इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करना, तो ये हमारा यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गई है, हमने इंस्टॉल कर लिया, तो इसको अभी हम चेक कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कूल होने के बाद हम दोबारा ट्रिगर करते हैं चेक कर। तो जैसे कि मैं अभी इसके बटन ऑन प्लान ऑन किया, उसके बाद हमने उसी तरीके से इसको ट्रिगर करा दिया, तो ये फैन स्पिन होने लग पड़ा, ठीक है, उसके बाद हमारा यही इस पे देखें लाइट्स भी ऑन हो गई हैं सारी, उसके बाद ट्रिगर होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले भी आ जाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा रिस्टार्ट लेगा मेरे ख्याल से, उसके बाद डिस्प्ले भी आ जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा डिस्प्ले आने में। तो ये हमारा डिस्प्ले भी आ गया, तो ये हमारा अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी आज जिस हमने डायग्नोज किया,
और ये इस तरह की प्रॉब्लम थी, तो ये समटाइम ये अपडेटिंग टाइम पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये हमने अभी क्लोज कर लिया, प्रॉपर क्लोज करने के बाद अभी ऑन कर लिया है। ठीक है, ये हमारा था जो जिसपे मैंने काम किया, डिस्प्ले में था इसका भी, डिस्प्ले वगैरह का ये हमने दिखा है। तो जैसे ये डिस्प्ले भी आ गया इसका, इसके बाद विंडोज में भी चला गया। तो ये मॉडल था जिसपे हमने काम किया था। तो इसी तरह की मुझे भी प्रॉब्लम आएंगे, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करा करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से किस किस वे से आप शेयर कर सकते हैं।